अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यू हार्डवेयर स्टोर जी। आज मैं आपके लिए बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी का डिस्प्ले सेटअप लेके हूँ। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, ये अनस्टिच का डिस्प्ले बनाया गया है। अब इसमें आप ये देख सकते हैं, ये फुली एडजस्टेबल है। आप इसको ऊपर नीचे जहां मर्जी एडजस्ट कर सकते हैं और इसके अंदर काफी ज्यादा आपका स्टॉक डिस्प्ले हो जाता है। और ये अगर इसकी क्वालिटी के बारे में बात की जाए तो अब आप ये देख सकते हैं, इसमें जो पिलर इस्तेमाल किया गया है, इसकी फिटिंग जो है दीवार के साथ ऑलरेडी इसका पाइप के साथ वेल्ड है, जो कि आपने बस सिर्फ जाके इसको अटैच करना है। इसी तरह इसकी जमीन के साथ आप देख सकते हैं, जो कि क्लिप इसके साथ ही लगा हुआ है, सिर्फ आपने जाना है और ये इसको फिट करना है। अब इसके अंदर जो ये फ्रेम इस्तेमाल किए गए, ये भी एडजस्टेबल है। अब आप ये स्लॉट देख सकते हैं, इसके अंदर ऊपर नीचे जहां मर्जी आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके अंदर आपका काफी जबरदस्त डिस्प्ले बन जाता है और काफी जबरदस्त लुक आती है, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। आप ये देख सकते हैं, हमने यहाँ पे 4 फुट का इस तरह पोर्शन बनाया, 4 फुट का इस तरह बनाया, जो कि हमने अलग अलग बनाया। अगर आप चाहें कि अगर आप चाहते हैं कि एक ही लंबा सिमेट्री में बनाए, तो ये वाला पिलर जो है इसमें से यहाँ से खत्म करते हैं, ये वाले जो फ्रेम है इसके साथ ही यहाँ लग जाएंगे, जो कि आपका एक जैसा सीक्वेंस आएगा। ये हमारे हमने सेटिंग बनाने के लिए अलग अलग आपको दिखाया है, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हुए। इसमें आपको हमारे पास काफी ज्यादा साइज मिल जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने 4 फुट का बनाया, इसमें 3 फुट, इसमें आप अगर कहेंगे 10 फुट लंबा, 10 फुट लंबा भी बन जाएगा। जिस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट होगी, उस तरह की हम आपको फिटिंग प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप नई दुकान बनाना चाहते हैं, या अगर आप देख रहे हैं कि इसका डिस्प्ले के लिए आपको जगह दीवार पर डिस्प्ले चाहिए, तो ये वाला सेटअप आप बना सकते हैं। चले आइए, आप वीडियो में आगे चल के देखते हैं किस तरह से सेटिंग बनाई गई और किस तरह से सेटिंग फिट होने के बाद फाइनल लुक आता। अब सबसे पहले इसको लगाने का तरीका ये है कि अब आप ये देख सकते हैं, इसके दीवार के साथ भी क्लिप लगा हुआ है, इसी तरह इसके जमीन के साथ भी क्लिप लगा हुआ है। तो अब आपने जो है ना, जमीन के साथ जहाँ पे भी रखना है वहां पर आपने सुराख कर लेना है और इसको नीचे कस देना है। इसी तरह आपने जब ऊपर का दीवार के साथ रख के आपने वहां पर इसको टाइट कर देना है, तो ये दीवार के साथ लग जाएगा, इसी तरह जमीन के साथ लग जाएगा। जैसा कि मैं यहाँ पे अनस्टिच का डिस्प्ले बना रहा हूँ, अब आप ये देख सकते हैं मेरे हाथ में H1 है, जो कि 4 फुट लंबा है। अब आपने जो है ना, ये दूसरा पिलर जो है ना, इसके हिसाब से लगाना है। अब आपने पहले ये इसमें फंसा दिया इस तरह से, इसी तरह आपने ये दूसरा जो इसके अंदर फंसा के, ये जहाँ पे भी आएगा दीवार पे, आपने उसको वहाँ पे टाइट कर देना है। अब मैं बाकी भी यहाँ पे आपको लगा के दिखाता हूँ किस तरह से इसकी फाइनल लुक आती है। अब आप ये देख सकते हैं, मैंने पिलर दीवार के साथ लगा दिया, मैंने ये 4 फुट का पोर्शन बना दिया, इसी के साथ मैंने ये 4 फुट का पोर्शन बना दिया। इसमें मैंने 5 स्टेप बना दिए, इसमें मैंने 4 स्टेप बना दिए। अब इसके ऊपर आप ये देख सकते हैं, मेरे पास अनस्टिच है, ये इस तरह से इसके अंदर हैंग हो जाता है, तो आपका इस तरह से डिस्प्ले आ जाता है। अब मैं आपको बाकी भी यहाँ सारा डिस्प्ले लगा के दिखाता हूँ किस तरह से इसकी फाइनल लुक आती है। अब आप ये देख सकते हैं, डिस्प्ले करने के बाद ये इसकी फाइनल लुक आ गई, इस तरह से इसके अंदर हैंगिंग हो जाती है। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अगर आप नई से नई वैरायटी से अपडेट आना चाहते हैं, अच्छे से अच्छी वीडियो देखना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, उसके अलावा बेल आइकन उसे भी दबाएं, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच सके। अगर आप इस तरह का डिस्प्ले सेटअप बनाना चाहते हैं, अगर आप नई दुकान बनाना चाहते हैं, उसके लिए आपको डिस्प्ले चाहिए, तो आप हमारे दिए गए नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा बिडन रोड पर डिस्प्ले सेंटर है, आप वहाँ विजिट कर सकते हैं। आप सबका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।